अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो तुसी सारे? कैसी तबीयत तुहाडी सारिआं दी? अल्लाह करे सारे हसदे रहो ते वसदे रहो। तो बहुत बहुत शुक्रिया तुसी पहुँच गए हो भाई। मैं बंदियां नूं इंज उड़ा के लैंदा ना, हालांकि सैवन ते तुहाडा बराबर ही है। बराबर है, जिन्ना दादू तो इधर जाना हुंदा ना सैवन। हां जी, उन्ना अगे हैदराबाद ਬਈ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਟੈਕਸੀ ਆਪਣੀ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਧੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਬਈ। ਬੇਟਾ ਹਟੋ ਹਟੋ ਬੇਟਾ, ਚਲ ਗੋਦੂ ਬੈਠ, ਬੇਟਾ ਨੀਚੇ ਬੈਠੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਗੀ ਕਿ ਨਾ ਆਪ ਗਿਰੋਗੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੱਸਰਾ ਦਾ मुल्तान दी रवानगी साड़ी शुरू हो गई है। असी बैठ गए गड्डी दे विच, समान ठुस ठुस आके आ गया पिछे, असी भी आ गए फस के। तो हुण साड़ी असी मंजिल ते पहुंचांगे, उत्थे देखांगे कि साडा की कुछ होंदा वे, कुछ के विआह कैसा साडा रहिंदा वे, असी कित्थे ठहरने की जाणा वो सानू उत्थे पहुंच के पता चलेगा। बूरे वालां नूं असीं छड रहे हां, टाटा बाय बाय करदे पए हां बूरे वालां नूं, ते फिर मिलने हां मुल्तान पहुंच के। मोटरवे ते रुके हां असी, पर कि जगह वे मियाँ चलू तो अगे कोई जगह वे उसे असं रुके हाँ, क्योंकि बरात पहुँच चुकी है। तो उन्होंने कहा कुछ छेती करो, तो असं फिर रुक के जल्द जल्दी वाशरूम इतना यूज़ किया। शुक्र बाथरूम बड़े साफ सन, तो असं जल्द जल्दी कपड़े चेंज किए ने, तो बस रुखी लाइए, तो बस तैयार हो गए हैं। लालो लाल तैयार हो गए हैं, तो असी जोड़ा पा लिया, लाल जोड़ा पा लिया, तो बरात शिरकत की असी तैयारी कर ली। मगर मेकअप तो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकया, ना इन्ना टाइम सी, ना इन्ना वेल सी, ना ही ऐसा मौसम है, क्योंकि जो लिपस्टिक लाई है ना मैं, वही जरा पसीने वगन लग गए। बहरहाल आवे शादी तो चले हैं, शादी दी तैयारियां, तो असी हुण उत्थे पहुँच के फिर तुहाडा मुलाकात करांगे। आम बंदे नहीं पता लगता, मैनू तुहानू हुण आपां तां गड्डियां दा काम करने, आपां नूं तां पता भी है, भी आपां नूं तां पता है, इह तां बल्कि मैं दस वी thank you।
आया ते सदा रंग लाया लाड़िए नी तेरा सेरे वाला व्यावड़ आया। समझ आई गल की क्या था वाला? नहीं समझ आई बच्चियां नु कोई समझ नहीं आई है। ओ सॉरी बच्चियां नु कोई समझ नहीं आई है पर आवे के रोटी शोटी खा ली है। बच्चियां ने नान खाधे ने दबा के इस मुंडे ने नान खाधे ने नान खाधे ने सुख सुख नान चपे ने रुखसती हो गई है। असी होटल विच पहुंच चुके हैं। रात असी होटल विच कयाम करांगे ते सुबह फिर इतों साड़ी रवानगी हो जाएगी सांगड़ लई। सुबह हम देखो किन्ने बजे रवानगी होंदी है लेकिन बहरहाल हुण रुखसत हो के सब दुल्हन भी रुखसत हो गई है। सारे बराती भी सारे अपने अपने कमरियां च पहुंच चुके ने ते मैं भी कपड़े चेंज करन जा रही सा ते मैं सोचिया कि मैं कि कहंदे ने थोड़ी जी गल कर लवां ते बाकी है कि असीं सुबह करांगे। चाय दी शदीद तलब हो रही है ते चाय दा आर्डर कीता वी लग रहा चाह आ जावे ते चाह असीं पी लईए ते फिर लेटिए कि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। ते हुणे मैं बस अपनी वीडियो उत्थे हॉल च बैठे बैठे ऑनियर कीती सी ते मैनूं शबनम हुसैन दा मैसेज आया कि मैं कभी राहीला मैं कभी गाँव नहीं गई लेकिन अच्छ पहली दफ़ा गाँव देखिया तो गाँव की सैर करा दी। तो गाँव के लोग भी बड़े खालस होंगे ने मुहब्बत भी बड़िया सच्चिया होंदिया ने। तो बिल्कुल सही आख्या तुसी शबनम कि वाकई बहुत अच्छे गाँव के लोग होंगे ने खालिस और खालिस खालिस चीज़ा मिलदिया ने। उत्थे दुध भी खालिस मिलता वे आटा भी खालिस मिलता वे तो सारी मुहब्बत भी खालिस मिलदिया ने। तो लकड़ी के बड़े हुए खाणिया का उन्होंने जिक्र किया तो वाकई लकड़ी के बड़े खाणिया का अपना ही जायका होंदा वे जो तुसी खाते हो ना तो टेस्ट जिहड़ा लकड़ी के चुल्हे ते पकदा है मिट्टी की हांडी विच वो साग होवे या गोश्त होवे कोई भी सब कोई भी चीज़ होवे सब्जी होवे इन्ना टेस्टी उहदा होंदा है ना कि बस बंदा कहिंदे ने उंगलियां चटदे रह जांदा वे। ते गाँव की भी अपनी जिंदगी है बहुत मज़ा आया असीं उहदे गाँव के विजिट ते गए बहुत चंगा लग्गिया। ते हुण बस इह है देखो मेरा बैड है हुण मैं इत्थे लेटांगी कपड़े चेंज करांगी उस तों बाद असीं ख्वाब खरगोश के मज़े लेंगे तो फिर मैं बिल्ली हाँ फिर एक नवी मुलाकात करांगे असी कल सुबह एक नवा दिन चढ़ेगा। तो अल्लाह हाफिज़ ते रब रखा।